रावण को क्या आपने कभी जलते हुए देखे, क्योंकि आप खुद बनाते हैं इसको अपने हाथों से? सरकार कभी मदद ही नहीं करती, कई बारी काम ना उनसे नौकरी मिल नहीं रही। दशहरा पर्व पर रावण जलते हुए हर किसी ने देखा है, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि इनके बनाने के पीछे किनका हाथ है, किनकी कला है? तो आज हम आपको उन्हीं से ही रूबरू करवाने वाले हैं। रोहतक में लगातार सिर्फ रोहतक में ही रावण, मेघनाद या कुंभकर्ण नहीं बनाते, बल्कि इनके रावण बाहर भी, बाहर दूसरे स्टेट्स में भी, इवन दूसरे ज़िलों में भी सप्लाई होते हैं। तो पहले आपको बता दें, आज हम बाबरा मोहल्ला में मौजूद हैं और अभी कल दशहरे की 15 अक्टूबर है, मतलब कल दशहरा है। आज बन, मतलब दो महीने पहले से ही बनने शुरू हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर कूड़ा करकट दिख रहा होगा, ये वही है इनका कला का, जो पुतले नमूने आपको सामने खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, कई कई फुट बड़े हैं। वो सभी फ़िलहाल आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। इवन इनके अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर जो है, चेहरा कहीं और आपको नज़र आ रहा होगा, अभी तो ये पूरे आपको नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगी एक बार अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़े और दिखाएं, चेहरा कहीं और नज़र आ रहा होगा आपको, बॉडी धर कहीं और आ रहा होगा, वही पैर कहीं और नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके की जो बनावट है फिलहाल इनके द्वारा की जाती है। राजू रावण वाला नाम आपने सुना ही होगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। धन्यवाद जी। सर आपका नाम तो पहले राजू रावण वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या सोच कर आपने नाम रखा है ये वाला, या लोगों ने रखवाया? ये मैंने तो सोच के नहीं रखा, ये अपने बाबा जी हैं यहाँ पे, बाबा कमलपुरी जी, जी उन्होंने नाम रखा था मेरा। अच्छा। हाँ, पहले तो कहने लगा भाई रावण का बाप, क्योंकि विधाता है तू, फिर नुबला नाना या जचा नहीं, फिर नुबला राजू रावण वाला ठीक है। अच्छा, तो अभी जैसे आप बता रहे हैं राजू रावण वाला आपका नाम है, लेकिन कितने समय पहले से आप ये रावण बनाने शुरू कर देते हैं? ये तो मैं 2 महीने पहले शुरू कर देता हूँ बनाने। अच्छा, तो अभी जैसे पिछले साल तो बहुत कोरोना की मार हर काम पर पड़ी थी, आपके काम पर भी पड़ी थी? हमारे काम पर तो बहुत ही ज़्यादा पड़ी थी। अच्छा। हाँ। तो बने ही नहीं थे? बने कहाँ थे, कोरोना के अंदर कौन पुतले लगाता था? अगर 2-4 पुतले बने भी थे तो वो पुतले ऐसे बने थे, उनको मास्क लगाना पड़ा था मुंह पे। अच्छा अच्छा, ऐसे वाले बने थे। तो अभी जैसे अमूमन आप कितने बना लेते थे कोरोना से पहले? कोरोना से पहले तो 60-65 पुतले हो जाया करते। और अब कितने हैं? अब की बारी 21 पुतले हैं। 21 पुतले हैं अब की बारी। तो कितने फुट मैक्सिमम हाइट पर आप बना लेते थे? हाइट तो हमारे थे, मतलब समझ लो 6 फुट से लेके, कम लगाओ इसके लिए, 6 फुट से लेके और 60-70 फुट तक के बना लेते हैं। अच्छा, 6 फुट से लेकर 60-70 फुट तक। अभी कितने बनाए हैं, मतलब इस साल? इस साल बड़े पुतले बने हैं जी 2 और 1 3। 3 बड़े पुतले कितने फुट के? ये एक तो सनातन धर्म में लगेगा, ये बना है तकरीबन कोई 50 फुट का। अच्छा, 50 फुट का बना है वो। और इसके अलावा और कितने बनाए हैं? इसके अलावा जो है झज्जर का है वो 60 फुट का है, एक 60 फुट का है, 2 50-50 फुट के वहाँ। तो रोहतक से ही ऑर्डर आते हैं या फिर बाहर से भी आते हैं? बाहर से है, जैसे झज्जर है, गुड़ियाणी है। अच्छा। और अपना सोनीपत है, सिंपल है, जाटू साणा है, खरक जटान है, और चांदी है। हरियाणा में तकरीबन जगह से ऑर्डर आते हैं। अच्छा, हरियाणा के बाहर भी दूसरे, अगर स्टेट की बात? हाँ, स्टेट की बात। मैं एक बार गया था म्यूर मिल में भीलवाड़ा। अच्छा। वहाँ भी बना के आया हूँ मिल में, फिर वहाँ दूर पड़ने की वजह से यहाँ के काम रुक जाते हैं, इस हमारी में दोबारा गया नहीं वहाँ। फिर मुक्सर के बनाए है। अच्छा। वहाँ 3 साल मुक्सर के भी बनाए। अच्छा। पंजाब में। तो अभी जैसे इनको अभी आप बना रहे हैं, ये पेस्टिंग हो रही है अभी, तो इससे पहले कितना टाइम लगता है इसको बनाने के लिए? इससे एक पुतला तो बनाने का टाइम कम से कम भी लग, समझ लो बड़ा पुतला जैसे 60-70 फुट का है, 15 दिन खा जाता है वो। 15 दिन आराम से? और कितने घंटे लग जाते हैं उसमें? 15 दिन में घंटे तो खैर कभी गिने नहीं कितने। अच्छा, मतलब वो पूरे 15 दिन एग्जैक्ट लग जाते हैं बिना आराम किए? बिना। अच्छा, अभी आपको ये भी दिखा दे कि कितने फिलहाल यहाँ पर पुतले हैं। कैमरामैन को कहूँगी एक बार इस साइड दिखा दे, ये वो बड़े पुतले हैं जिसका आपको वहाँ पर धर उसमें पूरी प्रिंटिंग हो चुकी है, वो नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अलावा मेघनाथ कुंभकर्ण के बनते हैं, हालांकि इनसे बात हुई तो इन्होंने ये भी बताया था कि
इस बार जो है 10 सिर वाला रावण की डिमांड कम आई है, लेकिन वही सिंगल सिर का जो है रावण के पुतले, उसके साथ उसके भाई के पुतले, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि इनसे एक और प्रश्न भी बनता है, वो भी ज़रूर जानेंगे कि कुल मिलाकर यहाँ पर अभी आपको 5 से 6 पुतले नज़र आ रहे होंगे। अभी सर एक सवाल, एक प्रश्न ये बनता है कि रावण को क्या आपने कभी जलते हुए देखे, क्योंकि आप खुद बनाते हैं इसको अपने हाथों से, मतलब जैसे आप मतलब पूजा वगैरह भी करते हैं क्या बनने से पहले? जिस वक्त स्टार्ट करता हूँ उस वक्त, और जिस दिन रावण खड़ा होता है उस दिन खड़ा करने के बाद उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, हाँ। तो पूरा परिवार करते हैं आप? मैं करता हूँ सिर्फ, या लड़का जाएगा जहाँ भी खड़ा करेगा तो वो करेगा। अच्छा, हाँ। क्योंकि आपकी एक तरीके का पूजनीय है ये। अभी देखिए आपकी आंखें भी जो हैं भावुक हो गई हैं। कुल मिलाकर अगर बताएं तो इनका यही काम का एक स्रोत है। इसके अलावा? इसके अलावा तो ये रेडी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं बच्चे। अच्छा, और पढ़े लिखे हैं बच्चे, ग्रेजुएट है, नौकरी मिल नहीं रही। आप देखिए रोइए मत, कुल मतलब सरकार से वैसे आपने कोई गुहार लगाई है ऐसे? सरकार कभी मदद ही नहीं करती कई बारी काम ना उनसे, ना कोई लोन है ना कोई इसके लिए प्लाट व्लाट की जगह कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से, तो कोई है नहीं। ये तो हमारा मोहल्ला बढ़िया है इसलिए चलो ठीक है, किसी की भी छत पे किसी के मकान में कहीं भी रख देते हैं। अच्छा, वो बनी बनाई है? हाँ। देखिए अभी यहाँ पर आपको बता दें कि ये बोलते बोलते बताते बताते भी भावुक हो गए कि सरकार किस तरीके से कलाकारों के साथ वैसे भी प्रस्तुत आती है। अब ये तो कितने सालों से इस कार्य में ये कार्य कर रहे हैं पुतले बनाने का, इवन आज भी यहाँ पर आपको खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी, वहाँ पर राइट हैंड साइड पर इनकी बहुएँ लगी हुई हैं, इनकी पत्नी आपको पीछे नज़र आ रही होंगी कार्य करती हुई। कैमरामैन को कहूँगी एक बार दिखा दें, इनकी पत्नी भी बैठी हुई आपको कार्य करती नज़र आ रही होंगी, पूरा परिवार, बेटे जो हैं फिलहाल पुतले लेकर गए हुए हैं, पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी भी जो रोज़ी रोटी है वो इसी तरीके से बरकरार रहे। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।